द्रौपदी, आपको बता दें कि द्रौपदी महाभारत का वन ऑफ द फेवरेट करेक्टर है। आपको बता दूं कि काफ़ी सीन इन पे फिल्माया गया है। इस वीडियो में हम आपको पांच चीज़ें बताएंगे जो द्रौपदी को काफ़ी पसंद थी। नंबर पांच पे है कृष्ण के साथ उनका बातचीत करना। आपको बता दूं कि वो काफ़ी उनको अच्छा लगता था कृष्ण भगवान के साथ बात करना, उनको सखी कह के पुकारते थे। आपको बता दूं काफ़ी रॉयल फ्रेंड के रूप में वो जाने जाते थे उनके लिए। नंबर चार पे है नकुल का प्रेजेंस। आपको बता दूं कि नकुल की उपस्थिति उनको काफ़ी अच्छी लगती थी, उनके साथ बात करना, वो काफ़ी एक अच्छे पति के तौर पे सामने आए थे उनके लिए और काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड भी करते थे। नंबर तीन पे अभिमन्यु। आपको बता दूं कि ये अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे लेकिन द्रौपदी को भी काफ़ी पसंद थे, इसलिए हमेशा उनकी लाइक करते थे वो। आपको बता दूं कि बाद में कर्ण ने उनको मार डाला, वो काफ़ी व्यथित हुई थी उसके बाद। वो पे सत्यभामा। आपको बता दें कि सत्यभामा कृष्ण भगवान की थर्ड वाइफ थी। आपको बता दें कि उनके साथ भी उनको बातचीत करना काफ़ी पसंद आता था। आपने काफ़ी कन्वर्सेशन के बारे में सुना भी होगा द्रौपदी और सत्यभामा के बारे में। नंबर एक पे स्पेंडिंग टाइम विथ अर्जुन। आपको बता दें कि अर्जुन के साथ भी उनको स्पेंड करना टाइम काफ़ी अच्छा लगता था। हालांकि उनके अर्जुन ने ही उनको जीता था स्वयंवर में, लेकिन पांचों पांडवों के साथ उनको विवाह करना पड़ा था, ये उनके लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो अर्जुन के साथ स्पेंड करना टाइम काफ़ी अच्छा लगता था उनको।